तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वेंडिंग मशीन हम लोग को बनाना है यूजिंग वेरी लॉग। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि कैसे आप ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बना सकते हैं वेरी लॉग की मदद से। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि वेंडिंग मशीन वो कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग वेंडिंग मशीन का नाम पहले भी सुने होंगे। वेंडिंग मशीन दरअसल वो मशीन है जो कि आप लोग एयरपोर्ट पे भी देखते होंगे लगा हुआ रहता है। चाहे आप कोई बड़ी जगह पे जाएं, अच्छी मॉल वॉल में जाएं, तो आपको वेंडिंग मशीन लगा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि वेंडिंग मशीन का आखिरकार काम क्या होता है। तो सपोज करिए कि ये वेंडिंग मशीन है, तो इस वेंडिंग मशीन में मेडिसिन डाला हुआ है। ठीक है, और हर एक मेडिसिन की जो कीमत है वो है 10 रुपया। यानी कि अगर आप इस वेंडिंग मशीन में आप 10 रुपया डालेंगे तो वो आपको मेडिसिन निकाल कर दे देगा, और 10 से अगर कम डालेंगे तो ये वेंडिंग मशीन आपको मेडिसिन नहीं देगा, और 10 से अगर ज्यादा डालेंगे तो उसके अनुसार पर वो आपको चेंज दे देगा, जितना बचेगा मेडिसिन भी देगा और आपको चेंज भी रिटर्न करेगा। तो ये सिंपल वेंडिंग मशीन जो हम लोगों ने अभी इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, ताकि आप पहले उस सिंपल वेंडिंग मशीन को समझ लें। और अगर आप कमेंट करके अगर आप अपने अनुसार से वेंडिंग मशीन बनवाना चाहते हैं, यानी कि उसके भी कोड अगर आप चाहते हैं कि उसके भी कोड किस तरह से होगी, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और एडवांस वेंडिंग मशीन क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। तो जैसे कि ये सिंपल मशीन हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आपको अगर आप 10 रुपये से कम का प्राइस डालेंगे, 10 रुपये से कम का अगर आप सिक्का डालेंगे तो ये आपको चेंज रिटर्न नहीं करेगा। 10 रुपया डालेंगे तो आपको मेडिसिन वो दे देगा, क्योंकि मेडिसिन की प्राइस है 10 से ज्यादा डालेंगे तो वो आपको मेडिसिन प्लस चेंज दोनों दे देगा। लेकिन ये कंडीशन वाइज नहीं चलेगा, यानी कि अगर इसके यहाँ बहुत सारी मेडिसिन होगी तो आपको वो चूज करने का ऑप्शन नहीं देगा कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। ये सिंपल एक सिंपल वेंडिंग मशीन है जिसमें हर एक मेडिसिन का दाम 10 रुपया है और सेम टाइप की मेडिसिन रखी हुई है, आपको उसी को लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो FSM है वो लगभग किस टाइप से बनेगा। तो ये आप मतलब अगर आप इस चीज को बना लेते हैं, इस चीज को अगर आप फर्स्ट जो मेन काम होता है वो इसका डायग्राम ही बनाना होता है। इस डायग्राम के अनुसार आप समझ जाएंगे कि आपके पर आपको कौन कौन सी केस स्टेटमेंट लेनी है, उसके अनुसार पे आपको वेरी लॉग कोड लिखने में वो आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए S0 स्टेट, ये है आपका डिफॉल्ट स्टेट। डिफॉल्ट स्टेट यानी कि जब भी आप रीसेट प्रेस करेंगे या फिर क्लियर प्रेस करेंगे तो आपका वो सिस्टम जहां पर भी फंसा हुआ रहेगा वो सिस्टम आ जाएगा S0 स्टेट में। तो S0 स्टेट में आने के बाद अब ये चीज देखिए कि यहाँ पर ये जो वेंडिंग मशीन है वो RS 5 5 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया, यही 3 रुपीज वो एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा आप 100 रुपया का अगर कॉइन देंगे तो इसको वो समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज वेंडिंग मशीन के ऊपर प्रिंट रहेगी कि आपको इन्हीं सब में से कॉइन जो है वो इसमें डालना है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये पहले S0 स्टेट में, अब यहाँ पर अगर हमने RS 5 यानी कि 5 रुपये की कॉइन अगर हम डालते हैं तो वो चला जाएगा S5 स्टेट में। अगर कोई बंदा अगर 10 रुपया कॉइन डाल देता है तो वो S10 स्टेट में आएगा। अगर कोई बंदा 20 रुपया का कॉइन डाल देता है तो वो आ जाएगा S20 स्टेट में। अब देखिए S5 स्टेट में जब आ गया 5 रुपया का कॉइन डालने के बाद, तो फिर वो वेंडिंग मशीन ऑप्शन देता है, देगा कि आपको और भी जो कॉइन डालना है, यानी क्योंकि 5 रुपया की दवा इसमें है नहीं तो आपको वो कुछ दे नहीं पाएगा। यहां तक कि ये 5 रुपया भी आपका ये जो वेंडिंग मशीन है वो रिटर्न नहीं करेगा। तो उसके लिए कोड में थोड़ा चेंज होगा, वो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा तो फिर वो हम लोग उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए S5 स्टेट में है, अब यहाँ पर फिर से अगर 5 रुपया वो डालता है तो वो आ जाएगा S10 स्टेट में। ठीक है, और अगर S5 स्टेट में अगर कोई बंदा उसके बाद 10 रुपया अगर डाल देता है, 10 रुपया का कॉइन, तो वो आ जाएगा S15। हम लोग S15 S5 इसलिए लिखे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। आप इसके जगह पर S1 S2 S3 S4 S5 इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप समझिए ये जो 15 लिखा हुआ है वो उस समय का कितना प्राइस है वो डिनोट कर रहा है। तो 10 रुपया अगर 5 रुपया पहले डाला फिर बाद में 10 रुपया डाला तो 15 रुपया आ जाएगा। तो उस 15 में ये क्या करेगा कि 5 रुपया आपको रिटर्न करेगा और प्रोडक्ट भी आपको दे देगा। अगर इसमें अगर कोई बंदा 20 रुपया डाल देता है इस वेंडिंग मशीन में 5 रुपया डालने के बाद, तो टोटल 25 रुपया हो गया, तो आपको 15 रुपया रिटर्न करेगा, उसमें से 5 रुपया और 10 रुपया का पॉइंट के अनुसार वो रिटर्न करेगा और आपको प्रोडक्ट भी वो दे देगा। ये हो गया आपका डायग्राम। अगर आपको 20 रुपया वो डाल देता है प्रोडक्ट देगा, 10 रुपया रिटर्न करेगा, 10 रुपया डालेगा तो फिर भी प्रोडक्ट देगा और वो स्टॉक चला जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अनुसार भी हम लोग जो कोड लिखने वाले हैं इस प्रोसेस के बेसिस पे लिखेंगे
चलिए वो कोड लिखते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम लोगों ने एक कोड का जो है, पूरा कोड तो हम लोग इस ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं सकते हैं, तो कोड का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखे हैं, उसके बाद आप लोग को लैपटॉप में ये सारी कोड रन करके दिखाऊंगा। तो उसमें आप लोग को इजीली पता चल जाएगा कि जब रन हो रहा है तो रन करते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर पे कैसे देखते हैं। हार्डवेयर पे तो आपके पास अगर हार्डवेयर रहेगा तो उस पर आप ये कोड लगाएंगे तो वो रन करना शुरू कर देगा, लेकिन हम लोग हार्डवेयर पे नहीं सॉफ्टवेयर पे आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे चेक करना है। तो उसके लिए टेस्ट बेंच भी लिखना पड़ता है, तो टेस्ट बेंच भी हम लोग का तो लिखा हुआ है, और टेस्ट बेंच तो सारा का लगभग सेम रहता है। अगर आप एक का टेस्ट बेंच लिखना सीख जाए तो आप हर एक का लिख सकते हैं, फिर भी अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे टेस्ट बेंच समझाने के लिए तो वो भी हम लोग एक वीडियो उसका भी बनाएंगे। तो खैर अभी आप लोग चलिए देखते हैं कि ये जो वेंडिंग मशीन है इसमें आखिरकार मेन चीज आपको किस किस चीज पर फोकस करना है। ये देखिए मॉड्यूल, पहले तो आपको मॉड्यूल को डिफाइन करना है। तो मॉड्यूल वेंडिंग मशीन यहाँ पर हम लोगों ने सॉफ्ट फॉर्म में वीएम लिख दिया है, ये लैपटॉप में ये वेंडिंग मशीन लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर ये है न्यू प्रोडक्ट, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर आप सिंपल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आउटपुट है जो कि आपको प्रोडक्ट आपको दिखा देगा वो है। क्लॉक आपका है, क्वाइन है जो कि इनपुट लेगा, रीसेट है जो कि आपका यहाँ पर क्लियर भी आप लिख सकते हैं, रिटर्न फाइल, रिटर्न टेन, आप जितना भी वेरिएबल लेना चाहें आपको पहले इसमें डिफाइन कर देना है। उसके बाद आपको पोर्ट को डिक्लेयर करना है, यानी कि इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट और आपका जो सिग्नल्स है जिसको लेने वाला है, चाहे फिर आपको रजिस्टर के रूप में भी आपको आउटपुट पोर्ट को डिक्लेयर करना होगा, तो ताकि वो जो है उस चीज को स्टोर करने का, जो भी अभी कभी भी आप आउटपुट पोर्ट में जो भी चीज लिखेंगे उसको आपको रजिस्टर के रूप में भी उसको स्टोर करवाना होगा। तो ये चीज हो गई, ये आपको कोड डिक्लेरेशन में आ जाएगा। लिखना बहुत ही आसान है, आपको हम लैपटॉप में दिखाएंगे तो वहां पर आपको इजीली पता चल जाएगा ये। उसके बाद आपको पैरामीटर को डिफाइन करना है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पैरामीटर डिफाइन किया था, वहां पर ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर था तो उसमें हर एक पैरामीटर को हम लोगों ने डिफाइन किया। तो इसमें टोटल अभी हम लोग के पास कितना पैरामीटर है, हम लोगों ने जो फेस जो अभी देखा था उसके अनुसार पे आपका था S0, S5, S10, S15, S20, S25, तो यहाँ पर टोटल 6 है, तो 6 आपको 3 बिट में जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बिट रहेगा तो आप 4 ही यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 6 है टोटल तो आपको 3 बिट में जाना होगा। तो 3 बिट के कारण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 2-B000 बाइनरी में अगर हम लिख रहे हैं तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, उसी टाइप से S5 के लिए आपको जो है वो लिखना पड़ेगा 2-B001। तो S10 के लिए भी आप इस टाइप से लिख देंगे, तो सारे के लिए आप जो है जो भी आप वेरिएबल इसको देना चाहते हैं वो आप इसमें पैरामीटर में आप इसको पहले डिक्लेयर कर लेंगे सारी स्टेट को। उसके बाद आपको जो है लिखना है या ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट कहने का मतलब हुआ कि S0 जो आपका डिफॉल्ट है तो वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को पहले आपको डिफाइन करना होगा कि रीसेट सिग्नल जब भी आप देंगे या फिर क्लियर सिग्नल जब भी देंगे ऑलवेज @ पॉजिटिव एज क्लॉक इफ स्टेटमेंट को सिस्ट आप होगा इफ रीसेट देन आपका स्टेट जो चला जाएगा वो किस में चला जाएगा स्टेट इज रोटेशन ऑफ एल्स आपका नेट एल्स आपका जो है स्टेट इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट। तो ये चीज आपको जब लैपटॉप में दिखाऊंगा तो वहां पर आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये हुआ डिफॉल्ट स्टेटमेंट को डिफाइन करने का तरीका। उसके बाद है केस स्टेट, तो केस स्टेटमेंट में आपको क्या है कि सारे जो भी आपने डिक्लेयर किया है तो उसमें क्या होने वाला है, जैसे S0 में क्या होने वाला है, तो S0 में तो कुछ ऐसा चीज होगा नहीं, न्यू जो प्रोडक्ट है वो तो देना नहीं है, तो प्रोडक्ट को आप 0 रख सकते हैं, तो आप कुछ इस टाइप से उसको लिख सकते हैं NWPA, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था NWPA इज इक्वल टू 1-B0, 0 मतलब वो प्रोडक्ट को नहीं देगा, यानी कि वो ऑन नहीं करेगा तो प्रोडक्ट वहां से नहीं जाएगा। S5 स्टेट इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम इक्वेशन रहेगा। S10 में क्या होगा, S10 में आपको प्रोडक्ट देगा यानी कि NWPA वो हो जाएगा 1-B1। तो उसी टाइप से S15 में क्या होगा, B1 तो होगा ही, और आपके पास रिटर्न वाले जो सिग्नल है RET5, आप अगर आप अलग अलग रिटर्न लिए हैं तो RET5 इसको भी आपको क्या करना होगा, 1-B1 करना होगा, यानी कि वो आपको रिटर्न अब दे देगा। तो उसी टाइप से S20-S25 के लिए आपको जितना रिटर्न देना है सारे को आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए केस स्टेटमेंट में। और डिक्लेरेशन के बाद आता है मेन कोड, मेन कोड में आपको ये बताना है कि आखिरकार अगर हम 5 रुपया का कॉइन देंगे तो स्टेट कहाँ पे जाएगा, स्टेट नेक्स्ट स्टेट कहाँ पे जाएगा, और उसके बाद अगर S0 के बाद नेक्स्ट स्टेट S5 में आया, S5 कब तक रहेगा, वो कब तक वो लूप में चलाएगा, फिर S5 से S10 में कैसे जाएगा, S10 से S15 में कैसे जाएगा, 15 से 20, 20 से 25, ये जो पूरी स्टेट की
स्टेट और इनपुट सिग्नल इन दोनों को मिला के जो आपका प्रोसेस चलेगा वेंडिंग मशीन में वो आपको मेन कोड में आप उसको डिफाइन करेंगे। ये पूरे स्टेटमेंट जब आप इजिली लिख लेंगे तो उसके अनुसार पे आपका कोड तैयार हो जाएगा और उस कोड को आप इजिली जो है बिहेवियर सिमुलेशन के थ्रू आप इसको रन करा के देख सकते हैं कि आपका इजिली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर चलिए इसको हम लोग लैपटॉप में देखते हैं कि ये कैसे रन करता है।